रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत। जी हाँ, क्या है ये व्रत, कब है इसका पारायण और कब इस व्रत को हमें करना है, इसी विषय पे हम आपसे चर्चा करते हैं। तो देवशयनी एकादशी जो है, ये मुहूर्त पारायण का समय और व्रत तोड़ने का समय, इन सारी विषय पे हम आपसे चर्चा करते हैं। 13 जुलाई को व्रत पारण अर्थात तोड़ने का समय 6:30 बजे से लेकर के 8:33 मिनट तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 6:30। एकादशी तिथि प्रारंभ 12 जुलाई 2019 को 1:02। एकादशी तिथि समाप्त 13 जुलाई 2019 को 12:31। 2019 देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, अर्थात देवता सो गए। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद में आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जून अथवा जुलाई के महीने में आता है। चातुर्मास जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्मसंशय काल है। देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है और देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी के व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु इस व्रत को कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है और व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई व्रत प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तो स्मार्ट परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। वह सन्यासियों को, विधवाओं को, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। तो मित्रों, हमने आपको ये बताया कि एकादशी व्रत कब है, कैसे करना है, क्या समय है, कब पारण करना है, कितने समय से व्रत लग रहा है, कितने समय से एकादशी लग रही, इस विषय में चर्चा की है। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।